हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला इंग्लिश स्कूल चैनल। माई सेल्फ जूही पटेल एंड आई एम कमिंग विद द बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट इन क्लास 11 यू हैव यूनिट्स एंड इन यूनिट 1 देर इज 4 चैप्टर एक्चुअली, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। So, the living world is your first chapter. Now, first of all, what is living? So, in class 10th also, up to class 10th, we are done with some terminology that what is living, what is non-living. Okay. So, living organisms, हमें पता है, हमने अब तक पढ़ा है कि भी जिसमें growth होती है, reproduction होता है, जो stimuli को response करता है, जिसके अंदर movement होता है, locomotion होता है, metabolic processes होती है, उन सबको हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, सो अब ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये चीज़ लिविंग है और नॉन लिविंग है? क्या ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ग्रोथ है मतलब लिविंग है, रिप्रोडक्शन है मतलब लिविंग है? तो वन बाय वन हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सा एक्सक्लूसिवली कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कौन सी नॉन डिफाइनिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रोथ? तो ग्रोथ किसको कहते हैं? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर उसका मास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी कैन से द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर सेल डिविजन से ग्रोथ होती है, या फिर आइदर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिविजन होता है और उसकी ग्रोथ होती है। और सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अलग अलग लाइफ स्पेन होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेल डिविजन होता है, उसमें अलग अलग मेथड्स होती है सेल डिविजन की। तो ये सारे मेथड्स के अंदर क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका मास इंक्रीज हो रहा है या फिर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ। अब जैसे कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें माउंटेन्स का, ठीक है, तो क्या माउंटेन्स अल्सो ग्रो? इज दैट ग्रोथ हैपन्स इन माउंटेन्स? सो यस, वी कैन से दैट ग्रोथ अकर्स इन माउंटेन्स। माउंटेन्स अल्सो ग्रो, बट द ग्रोथ इन माउंटेन्स आर फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली या इनसाइड से होती है, बट माउंटेन में और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है माउंटेन्स के अंदर, वो कहाँ से हो रही है? बाहर से हो रही है। ऑल द थिंग्स आर एक्यूमुलेट फ्रॉम ऑन द आउटसाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द माउंटेन। सो वी कैन से दैट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ग्रोथ है वो लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग जैसे माउंटेन में भी हो रही है, तो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं है। इट कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन यहाँ पे सेकेंड दिया है अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो इज द रिप्रोडक्शन अल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ न्यू और न्यू वन और प्रोडक्शन ऑफ लेस और सिमिलर टू दर पेरेंट्स, जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी हो सकता है या फिर ए सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के थ्रू भी हो सकता है। और देर आर डिफरेंट और डिफरेंट वेरीज मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो जैसे फंगी मल्टीप्लाई करती है, स्प्रेड इजीली, और द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस कर रही है, यीस्ट है, हाइड्रा है, तो उसके अंदर जैसे बडिंग हो रहा है, ठीक है, फिर रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये सारी आपने 10th स्टैंडर्ड में भी ये सारी प्रोसेसेस पढ़ी है, फिर
जैसे बैक्टीरिया है तो उसके अंदर फ्यूजन हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, प्लाज्मोडियम जैसे है तो उसमें मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है. सो ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर वी सीन इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एंड सम इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. देन जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स होते हैं और दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है. बट देर आर सम एग्जाम्पल लाइक म्यूल होता है विच इज अ हाइब्रिड ऑफ डोंकी और हॉर्सेस, सो दे आर स्टेराइल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होता जैसे. और फिर इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं, तो ये म्यूल है, इनफर्टाइल ह्यूमंस है, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई लिविंग रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, सर्टेन सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बट सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस लाइक दिस इनफर्टाइल ह्यूमंस, दिस म्यूल्स विच आर स्टराइल, देन वर्कर बीज. ओके, सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Then another characteristic of life is metabolism. I already told you that metabolism है, तो metabolism जैसे किसको कहते हैं, पहले हमने 10th में भी 10th तक भी पढ़ा हुआ है ये word, what is metabolism. So metabolism means all the reactions which occurs in living organisms, ठीक है. केमिस्ट्री में हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, बट दैट इज़ अप टू द केमिकल लैब और केमिकली रिएक्शंस, बट द रिएक्शंस विच इज अकर्स इन द सेल और अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अब उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है, आइदर एनाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती है, आइदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती है, मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी है जो ब्रेक डाउन कर सकती है जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, और कुछ रिएक्शंस है वो एनाबॉलिक हो सकती है जैसे किसी का कुछ बिल्डअप रिएक्शंस होती है. ओके, सो ऑल दिस रिएक्शंस आर अकर इन द सेल. ओके, सो अब क्या मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो आपने देखा होगा कि मेटाबॉलिज्म्स है क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पॉसिबल है, नहीं, ठीक है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ओनली अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट अकर्स इन द नॉन लिविंग थिंग्स, एंड इट इज अकर्स इन द सेल, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज पॉसिबल, टेक्स प्लेस इन द सेल. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, सो ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रोब्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट दिस रिएक्शंस, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट exhibit this metabolic reaction. So we can say that metabolism is the defining feature of living organisms. Okay, metabolisms है वो defining feature है living organisms का. Then last यहाँ एक और दिया है यहाँ पे, that is consciousness. Consciousness मतलब कि अगर कोई living organisms है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, मतलब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं. हमने 10th में भी पढ़ा हुआ था अबाउट द स्टिमुलेशन एंड ऑल. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं अपने आसपास जो भी सराउंडिंग है, जितने भी स्टिमुलस है, तो उसके अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करती है, स्टिमुलाई करती है अपनी, उसकी बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है, ठीक है. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता, तो लिविंग थिंग्स है आर अवेयर अबाउट दर सराउंडिंग्स, उनके अंदर अवेयरनेस होती है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, बट नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता. बट एक एक्सेप्शनल हम यहाँ पे बोल सकते हैं लिविंग में, कि जो भी पर्सन जो कोमा में होता है,
ठीक है, अगर पर्सन कोई कोमा में है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता स्टिमुलेशन को, दे आर एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द सराउंडिंग्स अराउंड हिम. बट अगर वो जैसे कोई मेडिसिन उसको दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, वट एवर गिवन बाय द डॉक्टर्स, सो इफ दे इफ ही कैपेबल टू स्टिमुलेट और इफ ही अवेयर, अगर वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, लिविंग थिंग्स के अंदर स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आ गई कि भाई कॉन्शियसनेस है क्या, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. तो हाँ, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस या फिर मूवमेंट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हियर ऑल्सो गिवन स्टिमुलेशन, आपको पता ही होगा, आई और फिर से बता रही हूँ, स्टिमुलेशन मतलब आजू बाजू सराउंडिंग में जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, पॉल्यूटेंट्स है, प्रेशर है, साउंड्स है, ओके, सो ऑल दिस आर द स्टिमुलेटर्स. तो जिसके अफेक्ट से हमारी बॉडी है वो स्टिमुलेट होते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट स्टिमुलेशन इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग थिंग्स. सो दिस इज अबाउट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बाय दिस वी कैन से दैट दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. अब उसके अंदर फिर से मैं बता रही हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी. एक है ग्रोथ, देन सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबोलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ओके, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर विच इज सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट सम प्रॉपर्टीज आर ओनली डिफाइनिंग एंड सम आर नॉन डिफाइनिंग. मतलब सम प्रॉपर्टी जैसे उसके अंदर आ जाएगा कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुला है, मेटाबोलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सो ऑल दिस प्रॉपर्टी आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जिससे डिफाइन हो सकता है कि भाई देज आर द अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली एंड देज आर अ डिफाइन दैट द ऑर्गेनिजम्स इज लिविंग. बट रिप्रोडक्शन है, देन ग्रोथ है, तो ये जो है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है. मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होती है, बट देर आर सम एक्सेप्शनल केस ऑल्सो, दैट्स वाई वी कैन नॉट से दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डन विद, इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ओके, थैंक यू.